आपने अपना YouTube चैनल कब बनाया था? सबसे ज्यादा बुराई कौन करता है आपके? तो कभी आपको कमेंट्स में गाली पड़ी है? तो स्वागत है आपका हमारे शो बच्चों की बातचीत। तो हो सकता है आपको हमारा ये शो पसंद आए, और ना भी आएगा तो कर क्या लोगे आप हमारा? तो छोड़ो वो बात की बात है। तो हमारे साथ हैं, कौन है आप? मुझे कुछ लोग मोहम्मद आरिश द स्टार नाम से जानते हैं। आरिश द स्टाइल नाम से जानते हैं? स्टाइल नहीं, स्टार। थोड़ी तो वैल्यू दो, आपके शो में आया हूँ मैं। पैसे नहीं चाहिए? नहीं, वैल्यू चाहिए पहले। ओके, तो इन्हें चाहिए वैल्यू, हम इन्हें देते हैं बहुत सारी वैल्यू। इनका नाम है आरिश द स्टार, टार टार स्टार। तो इन्हें हमने दिया इतनी सारी वैल्यू, अगर अब इन्होंने पैसे मांगे तो इन्हें बाद में देखते हैं। खैर सर, तो आप पैसे भी लूंगा। ऐसा करना कि जो वैल्यू आपने दी उसका 50% काट लेना और 50% दे देना पेमेंट। 100% वैल्यू दे चुके हैं हम आपको। अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। अबे यार, शुरू में पहला ऐसा शो है जिसमें पहली बार आते आते हमारा जो है वैल्यू ली तो पैसा नहीं मिला, पैसा ले रहे तो वैल्यू नहीं मिली। यस, आप एक ही चीज अर्न कर सकते हैं, वैल्यू कर लो या फिर पैसा। ठीक है, चलो, दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इतना बजट नहीं है हमारा। 15,000 से 20,000 का बजट है आपका? ठीक है, तो आप अपने सवाल कीजिए। तो हम दूर से बुला रहे हैं, हमने सुना है आप डेली ब्लॉग करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा किन चीजों का सामना करना पड़ता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला, आपके दोस्तों की बुराई। दूसरा, आपके मोहल्ले वालों की बातें। तीसरा, आपके रिश्तेदारों की बातें। और चौथा, मेरी बातें। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना क्या क्या करना पड़ता है, फिर पढ़ाए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम अपना जो प्रोसेस होता है वो बताते हैं ब्लॉग बनाने का। सुबह से लेकर शाम तक कैमरा ओपन करना पड़ता है। हमारे अलग भी काम है जो कैमरे के पीछे होते हैं, जैसे स्टूडियो के अंदर बैठना, रिसर्च करना वगैरह वगैरह, पॉटी करना। यस, वो तो कैमरे के पीछे ही होता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो परेशानी आती है वो सभी की तरफ से आई है, दोस्तों की तरफ से कम आई है। दोस्त में आप भी आते हो एक, अच्छा, तो आपकी तरफ से आती नहीं है, आएगी भी तो फिर देख लेंगे फिर। बाकी बात अगर करें रिश्तेदारों के बारे में, तो बड़ी बुराइयां करी हैं उन लोगों ने, दिल खोल खोल के बुराइयां करी हमारी। और मतलब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे अंडररेटेड समझते थे, अंडररेटेड। लेकिन जब मैंने अपने पे आया, समझ सकते हो आप, मैंने भी दिखा दिया who I am आरिश द स्टार, वन एंड ओनली। और फिर हाँ, फिर बसते हैं आस पड़ोस वाले, तो कभी कभी कानों में आ जाती है बातें कि हाँ बुराई चलती है अपनी, देखते हैं। देखो, जो पॉपुलर इंसान होते हैं, आप सुनते कहाँ से बैठ गए हैं ये बताएं। ये हमको वायरलेस तरीके से मिल जाती है कहीं ना कहीं से सुनने को, क्योंकि पॉपुलर इंसान है, हमारे भी अलग अलग जगह एजेंट्स लगे हुए हैं, तो मिल जाता है। सबसे ज्यादा बुराई कौन करता है आपके? अब ऐसे तो नहीं बता सकता, वरना तो फिर पता चले कि रहता मैं मोहल्ले में ही हूँ, पता चले लठिया लेके कोई आ जाए। बड़ी खतरनाक लोग हैं। लठ से डरते हैं आप? डरते तो हम किसी के पाप से भी नहीं, पर लठ से लगता है। क्यों, लठ क्या खुद चल जाता है? तो मैं नहीं डरता यार। डरना तो इस बात ये है, अगर कोई मुझसे लड़ने आया फिर पिट के ही चला गया मुझसे, तो मुझे कितना तरस आएगा, समझ सकते हैं आप। सवाल की अपॉर्चुनिटी है मार खाना? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं खिलाना। वो आएगा, पिट के चला गया, मुझे कितना बुरा लगेगा, समझ सकते हैं आप। मैं समझ सकता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई ऐसी बात बताओ जो आपको अपने पड़ोस में या अपने एरिया में सबसे ज्यादा पसंद हो। मेरे एरिया में मुझे पसंद नहीं है, इधर निकलता हूँ गली में तो सबसे पहले गड्ढे मिल जाते हैं। सरकार से दरखास्त है थोड़े बहुत गड्ढे भरवा दिए जाए। मैं स्कूटी निकालता हूँ तो ऐसा पहिया फंसता है, आधे घंटे तो मुझे मोड़ने में लग जाते हैं। तो ट्रैक्टर निकालते हो? नहीं, ट्रैक्टर नहीं, गड्ढे इतने बड़े हैं मौत के कुएं की तरह। अगर उसके अंदर मैं ऐसे चलाने लगूं ना घुमा घुमा के, तो हो सकता है 20 रुपए टिकट लेकर लोग देख रहे हैं। ऐसा सिस्टम है तो फिर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता निकलने में। तो ये चलाएंगे गड्ढों में मौत का कुआ? हाँ, मतलब ऐसे हो गए हैं जो एक लट से डरते हैं। चलो, तो
आप उन गड्ढों को खुद भी तो भरवा सकते हैं। इतनी सी बात के लिए मोदी जी को क्यों रहे? मोदी जी नहीं, आस पड़ोस की भी सरकारें होती है, सरकार भी भर नहीं, ये मैनेजर का काम होता है। कौन से मैनेजर? मतलब चेयरमैन का काम होता है। ओह आई सी, चलो हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। आई होप चेयरमैन का काम होता है, मोदी जी का काम नहीं है आपके घर के गड्ढे भरना। दरख्वास्त है अगर पहुंच जाए तो हमारे स्कूटी नहीं मोदी जी तो हमारे इतने महान है कि उन्होंने 10-10 माले के लोगों के लिए मकान बनवाए हैं। 10-10 माले आवास योजना के तहत। ओह आई सी, हाँ हमारे पड़ोस में भी बने हुए हैं। किसका बना है? काफी लोगों के बने हुए हैं। नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे एक्चुअली, अगर नाम बताऊंगा फेमस हो जाएंगे। So, I can't do it. मतलब कौन फेमस हो जाएगा, आप या वो लोग? वो लोग मैं तो ऑलरेडी हूँ यार। मतलब आप चाहते नहीं कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए? भला क्या होगा, बेइज्जत हो जाएगा फालतू में मेरी वीडियो में आके यार। भला क्या बोला इसका? किसी को फेमस करना क्या कोई बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, बड़ा अच्छी बात भी नहीं है यार। मैं समझ सकता हूँ आपके फीलिंग्स को। अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल ये है, इतनी गर्मी क्यों है अब? इतनी गर्मी इसलिए है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बादल काफी गरम गरम हो रहे हैं, तो नई बात बताओ ये तो हमें भी। तो वो इसी वजह से गर्मी पड़ रही है। और एक्चुअली आपका बजट थोड़ा सा कम है, 15,000 से 20,000 का बजट है आपका। आप एसी चला नहीं रहे, हमको भी रुपया नहीं दे रहे, एसी भी नहीं चला रहे, फालतू में बैठे पड़े पॉडकास्ट खोल के पहला शो कर रहे हैं, पहले हम गेस्ट हैं, एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया आपने, बताइए। एक बूंद पानी की कीमत तुम क्या जानो आरिस बाबू। आरिस बाबू। चलो कोई बात नहीं है, अगर पानी पीना तो आप जाते हुए नीचे वो वॉश बेसिन पड़ता हुआ टंकी में पानी पी लेना। ठीक है ठीक है, एक बाल्टी पी सकते हैं आपके लिए। मैं यही बाल्टी रख लो, ला गया पियो सानी की तरह, भैंस को लगती है सानी वैसी। अगली बार इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो बाल्टी और मग्गा रख दिया जाएगा पीने के लिए, जितना चाहे पी सकते हैं। पर उससे पहले हम इसे करते हैं कुछ तीखे सवाल। ठीक है ठीक है, लेके आओ, ये कब तीखे आएंगे आपके, शुरू से तीखे ही आ रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है, आपने अपना YouTube चैनल कब बनाया था? YouTube चैनल हमने बनाया था आज से 4-5 साल पहले, मतलब व्लॉगिंग तो अभी स्टार्ट की हमने 1.5 साल या 2 साल पहले। मेन चैनल हमने बनाया था 5-6 साल पहले, उसमें हमने बहुत सक्सेस की, लाखों रुपया कमाया, और चल रहा है अभी ज़्यादा नहीं चल रहा है, अभी इंस्टाग्राम ज़्यादा चल रहा है हमारा। अच्छा, जहाँ पर हमारी लाखों की फैन फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखो गाली तो सलमान खान को भी पड़ती है, शाहरुख खान को भी, हमको भी पड़ जाती है कभी कभी, बट आई लाइक इट ब्रो, आई लाइक इट। अब मैं चाहता हूँ एक दो गाली पड़े ताकि इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। देखो सूखे सर्राटे से नहीं जाना चाहिए, तारीफ करके जाए या गाली देके जाए, लेकिन कुछ कह के जरूर जाए। तो हमारे पास से क्या चाहते हैं, गाली या आप मेरी तारीफ? क्योंकि आपने मेरी पेमेंट ऑलरेडी काट ली है, तो फिर आप तारीफ कीजिए। एंगेजमेंट में क्या चाहिए? एंगेजमेंट में एक रिंग दे दो। सोचते हैं उसके बारे में, आपकी रिंग और विंग दोनों के बारे में। तो हम आपको देंगे कुछ नया, तो उससे पहले होते हैं उनसे दो तीखे सवाल। दो तीखे सवाल, खैर पहला तीखा नहीं लगा। आपको सबसे ज्यादा तीखा सवाल कौन सा लगता है? आप करेंगे तो पता चलेगा ना। इससे पहले कई बार गए ना जब सवाल पूछा हो। ये मेरा पहला शो है एक्चुअली, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनविटेशन आया हुआ है बड़े बड़े शो से, तो आई विल डू इट ब्रो। पहले शो में इतना दिमाग है, पैर नीचे करके बैठो। ये कैसा पॉडकास्ट है आपको, बेइज्जती ज्यादा हो रही है यहाँ पर यार। मुझे लगा शायद आप पहले काफी बार कहीं जा चुके हो, पहली बार आए और इतनी बातें। ये एक टैलेंट होता है देखो। तो बस शांत रहो आप। तो गाइस हमारे साथ थे कोई 70 भाई सत्तार वाले, और हमने उनसे किए थे कुछ तीखे सवाल, और हमारे एक सवाल का जवाब वो सही से नहीं दे पाए। ओ भाई साहब, सॉरी, मतलब इन्होंने कुछ सवालों के जवाब दे दिए पर कुछ रह गए, तो कुछ और तीखे सवाल मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे और करें। ये चाहते हैं अब हमसे कोई भी सवाल न करें, क्योंकि अब इनके पास जवाब नहीं बचे हैं, और वैसे भी इन्हें कोई पूछता नहीं है, तो हमें अपने शो की बेइज्जती। आई एम द मोस्ट पॉपुलर
वो इन्हें कोई नहीं जानता, आप इन्हें छोड़िए, आप हमारी तरफ देखिए, हम हैं द फेमस, वो क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, कुछ कहते ही नहीं आप भाई ने। ये आप इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए, आप हम पर ध्यान दीजिए, हम हैं इस शो का नया चेहरा। खैर छोड़े, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो कर लेना। तो अगले एपिसोड में और सवाल पूछेंगे फिर नहीं? तो अगले एपिसोड में हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, गुड नाइट। शुरू नहीं करते, खत्म करते भाई साहब, आपका भी लगता है पहले शो है।